इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा? यहाँ पर देखिए, 5 और 8 में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर 3 आएगा। 8 और 13 में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर 5 आएगा। 13 और 22 में जो अंतर है वो 9 का है, और 22 और 39 में जो अंतर है वो 17 का है। लेकिन 3 से 5 कैसे आया और 5 से 9 कैसे आया और 9 के बाद 17 कैसे आया, ये कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब आप 3 की 2 में गुणा करेंगे और -1 करेंगे तब आपके पास 5 आएगा। इसी प्रकार से जब आप 5 की 2 में गुणा करेंगे और -1 करेंगे तो आपके पास 9 आएगा। इसी प्रकार से जब आप 9 में 2 की गुणा करेंगे और -1 करेंगे तो आपके पास 17 आएगा। इसी प्रकार से आपको आगे करना है, 17 की जब आप 2 में गुणा करेंगे और -1 करेंगे तो आपके पास 33 आएगा। अब आपको इस 33 को इस 39 में ऐड कर देना है, तो आपके पास जो नंबर आएगा वो आपके पास 72 यानी कि 72 आएगा।